गर्ल वन, तो आजकल मैं बात करने वाले हैं लवली नुकॉइन के बारे में। गाइस, तो लवली नुकॉइन को लेकर के भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो भी मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट्स मैं आपको लवली न्यू रिलेटेड शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसके आप देख सकते हैं करीबन 2.43% करीब में आपको डाउन जाते हुए दिख रहा है हमारा लवली नुकॉइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% करीब का आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम भी डाउन में देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अभी प्राइस का डंप कर रहा है मार्केट भी, बिकॉज डंप ही अभी हो रहा है, और साथ में तो लवली नू वैसे भी डंप ही कर रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, जिसका फ्यूचर कैसा बनाएंगी उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। अगर आप लवली नू के होल्डर हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लवली नू होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है, जो आपको लास्ट में पता चला है कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है इस अपडेट्स को जानने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अपना छोटा सा प्यार अनसब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके मेरे को सेट कर दीजिए, जिससे मेरी कोई भी डेटा है सबसे पहले आपके पास मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं वो लवली इंडू की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिग मार्केट कैंपेनियन कमिंग ऑन लवली फाइनेंस, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिग मार्केट कैंपेनियन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। किस में? तो लवली इंडू फाइनेंस में। इट विल बी द बिगेस्ट कैंपेनियन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लवली जर्नी। बोला जा रहा है कि ये जो है सबसे बिगेस्ट कैंपेनियन होगा लवली इनू की जर्नी का, हिस्ट्री का, लवली इनू की हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा कैंपेनियन होने वाला है। तो ये अभी कुछ चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लिस्टिंग जो इन्होंने बोली थी कि तुर्किया एक्सचेंज पे ये लोग न्यू लिस्टिंग करेंगे, वो इन्होंने लेकर आई है सामने। और ये इस एक्सचेंज का नाम है क्रिप्टेक्स, या आप इंग्लिश में देख सकते हैं लवली इनू कमिंग सून टू क्रिप्टेक्स एक्सचेंज, नाम है क्रिप्टेक्स एक्सचेंज। तो जिसकी आप देख सकते हैं इस एक्सचेंज का मैं अभी आपको शोन भी करा देती हूँ, आपको देख रहा है तुर्किश का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये। और इसमें जो है आप इसमें भी यहाँ पे होने वाला है इनका यहाँ पे लिस्टिंग, लेकिन ये कोई बड़ा एक्सचेंज नहीं है, छोटा मोटा एक्सचेंज है, लेकिन तब भी इन्होंने बोला था कि हम तुर्किश एक्सचेंज पे लिस्टिंग करेंगे, तो वही इन्होंने करने वाले हैं। अभी बहुत जल्द होगी, अभी इसका टाइम पूरा नहीं निकला, लेकिन इन्होंने अभी टाइम इसका नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द टाइम भी लोग बता देंगे कब लिस्टिंग करने वाले हैं। तो जिसकी भी आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि अक्टूबर 6 टू लवली इनू विल टच 0.401 डॉलर, यानी कि अभी बोला जा रहा है कि बहुत जल्द जो है लवली इनू फाइनेंस 6 अक्टूबर को यहाँ पे 0.401 डॉलर तक जो है यहाँ पे ये टच करने वाला है। गाइस, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है लोगों को। बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉस लिया है, तो प्रॉफिट तो मिलना ज़रूरी बात है, लेकिन अब जाएगा तब तो, बाकी तो इसमें बहुत बहुत चीज़ें होगी, लेकिन पंप नहीं किया तो अब इतना भरोसा नहीं है कि पंप होगा भी कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट ट्रस्ट वर्थिंग मीम टोकन पर ट्रस्ट कोर में आपको 4th नंबर पर हमारा लवली इनू फाइनेंस कॉइन देखने को मिल रहा है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंटेंशनल BNB टोकन्स दैट विल बी कवर्ड ऑन बिटकॉइन LPG क्रिप्टो संडे न्यूज़पेपर एंड वर्थ टू रिसर्च। तो आपको सबसे टॉप इन्वेंचुअल BNB टोकन्स ऑन द वीक में आपको यहाँ पे लवली इनू फाइनेंस 3rd नंबर पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट इज बेबी डॉजकॉइन, सेकंड रिच क्वैक, एंड थर्ड आपको यहाँ पे लवली इनू कॉइन देखने को मिल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज, ये सारी कुछ अपडेट्स अभी निकल के आ रही है लवली इनू फाइनेंस कॉइन को लेकर के। तो क्रिप्टो का एक्सचेंज जो भी इसमें जो लिस्टिंग होने वाली है, वो एक कोई बड़ा एक्सचेंज नहीं है, छोटे मोटे एक्सचेंज है, उसके कोई ज़्यादा डाउनलोडर्स भी नहीं है गाइज, तो उतना बड़ा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इस लिस्टिंग के बाद। बस देखना हम लोग कि कभी यह लिस्टिंग होगी, और बस इंतजार है 6 अक्टूबर का, देखते हैं 6 अक्टूबर को पंप करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का विश्वास है कि ये पंप करेगा, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइज, ये सारी कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपको शेयर करनी थी। वीडियो में को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अपनी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जो और उससे पहले अगर मैं बता दूं, अगर आप लवली इनू कॉइन के होल्डर हैं तो आप इस कॉइन में अभी कभी ना बाइंग करें ना सेल करें, बिकॉज मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इसका भी कोई पता नहीं है, कभी पंप कर सकता है, कभी भी डंप कर सकता है। तो आपको तो नहीं बाइंग इसमें लानी ही लानी नहीं है। और अगर आप वही बात रही सेलिंग की, तो आप थोड़ा मोटा अमाउंट सेल करके भी कुछ नहीं बड़ा करने वाले हो, इसलिए आप यहाँ पर सेलिंग भी मत करना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।